अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वकास, आप देख रहे हैं सखीजा टीवी। कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की तारीख अजीबोगरीब चीजों से भरी हुई है। इन्होंने ऐसी गाड़ियां भी बनाई हैं जिन्हें देख के हम हैरान रह जाते हैं, और कभी कभार ऐसी गाड़ियां भी बनती हैं जिन्हें देखने को भी दिल नहीं करता। खास तौर पर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के शुरुआती दिनों में बहुत सी मशहूर गैर वादे कार डिजाइन ने जहाज़ों, आबदोजों और यहाँ तक के जेम्स बॉन्ड फिल्मों से इंस्पायर होकर ऐसी गाड़ियाँ तैयार की जिनका कोई मतलब ही नहीं बनता। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दुनिया में बनाई जाने वाली 10 अजीब गाड़ियों के बारे में। नंबर 10, नॉर्मन टेम्स स्पेशल। जैसा कि नाम से जाहिर होता है, 1947 की नॉर्मन टेम्स स्पेशल एक शख्स की ईजाद थी जिसका नाम नॉर्मन ई टेम्स था। टेम्स उस वक्त का बाअसर मैकेनिकल और ऑटोमोटिव इंजीनियर था जो एंडी रेसिंग कार डिजाइन करता था। इसने एक प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिया जिसको मुकम्मल होने में 3 साल लग गए। इसका टारगेट एक ऐसी गाड़ी बनाना था जो आगे चल के इसके नाम से जानी जाए। ये कार अब तक की तख्लीक करदा खूबसूरत घूमने वाली कस्टम कारों में से एक है। लंबी नाक, बिना दरवाजे और स्लिम डाउन डिज़ाइन इसे अब तक की बनाई जाने वाली अजीबोगरीब गाड़ियों में से एक बनाती है। इसकी बॉडी एल्युमिनियम से बनी थी और इसमें बक स्ट्रेट इंजन लगा था, जिस वजह से ये उस वक्त की तेज़ रफ्तार गाड़ियों में से एक थी जो 120 मील फी घंटे की रफ्तार तक पहुँच सकती थी। नंबर 9, स्टाउट स्कैर्प। स्टाउट स्कैर्प को विलियम बुशनेल स्टाउट ने 1932 में डिज़ाइन किया था। विलियम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आने से पहले एयरक्राफ्ट इंजीनियर थे। ये दुनिया की पहली मिनी वैन है। इस ट्रेवलर कार को मोबाइल ऑफिस के तौर पर बनाया गया था। इस दौर की दूसरी गाड़ियों के मुकाबले इसमें बहुत बड़ी स्पेस दी गई थी। इस गाड़ी की बॉडी एल्यूमिनियम से बनी थी और इसमें फोर्ड V8 इंजन लगा था, लेकिन ये अजीब गाड़ी कामयाबी हासिल ना कर पाई और तकरीबन 12 गाड़ियां बनाने के बाद इसकी प्रोडक्शन रोक दी गई और आज तकरीबन 5 गाड़ियां अभी तक अच्छी कंडीशन में मौजूद हैं। नंबर 8, बुगाटी टाइप 57 एरोलेथ। आज जब हम बुगाटी नाम सुनते हैं तो फौरन ही वेरॉन जैसी सुपर कार हमारे जहन में आती है, लेकिन कंपनी ने सैकड़ों मुख्तलिफ मॉडल मुतारिफ करवाए हैं और इनमें से कुछ को आसानी से अजीबोगरीब तसव्वुर किया जा सकता है, जैसा कि बुगाटी टाइप 57। इसे इटालियन कार डिजाइनर इटोर बुगाटी और इसके बेटे जीन बुगाटी ने डिजाइन किया था। इसमें 3.3 इंजन लगा था जो 90 मील फी घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकती थी। बुगाटी ने टाइप 57 मॉडल की कई वेरिएंट बनाए थे, जैसे 57T, 57C और 57C टैंक, लेकिन 57S एरोलेथ नामी ये अवतार उन सब से ज़्यादा अजीब था, जिसे लोग एलियन कार भी कहते थे। नंबर 7, जनरल मोटर्स ली सेबर। GM ली सेबर वो कॉन्सेप्ट कार थी जिसे 1951 में मुतारफ करवाया गया था। ये डिज़ाइन एयरक्राफ्ट से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई थी, जिसे हार्ले अर्ल ने डिज़ाइन किया था। ये उस वक्त की पहली कार थी जिसमें स्पोर्ट्स फिन और चारों तरफ विंडशील्ड जैसे एलिमेंट लगाए गए थे, जिसके बाद ये अमेरिकी गाड़ियों का स्टैंडर्ड डिज़ाइन बन गया था। ये एक कन्वर्टेबल कार थी जो मॉइस्चर डिटेक्टर के साथ आती थी, जो बारिश होने पर इसकी छत खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाती थी। हालांकि ये कार 1951 के लिहाज से इतनी अजीब नहीं थी, हकीकत में इस तरह की डिज़ाइन कई दहाइयों तक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में आम रहा था। इसकी बॉडी एल्यूमिनियम से बनी थी और इसमें 215 V8 इंजन लगा था। इसके अलावा इस कार में कई फीचर्स थे जो आपने इस वीडियो में देखे होंगे। नंबर 6, 1932 फोर्ड स्पीडस्टर। फोर्ड की इस स्पीडस्टर की अनयूजुअल डिज़ाइन ही इसे अजीब गाड़ियों में से एक बनाती है। इसे 1932 में हेनरी फोर्ड के बेटे एडसेल फोर्ड और यूजेन ग्रिगोरी ने डिज़ाइन किया था। इस गाड़ी में फ्लैट हेड V8 इंजन, स्टार्टर बटन, इलॉन्गेटेड हेड, 3-स्पीड गियर ट्रांसमिशन जैसी खसूसियात के साथ बनाया गया था जो 60 मील फी घंटे की स्पीड तक जा सकती थी। 2016 में ये गाड़ी एक ऑक्शन में $7,70,000 की फरोख्त हुई थी, जबकि 1932 में इसकी कीमत महज $460 थी। नंबर 5, पील P50।
पील P50 एक तीन पहिए वाली माइक्रो कार थी जिसे पील कंपनी ने 1962 से 1965 तक तैयार किया था। इसे सैरल कैनल और हेनरी किसाक ने डिजाइन किया और बनाया था। ये अब तक की बनाई जाने वाली छोटी गाड़ी का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हासिल किया है। ये एक इलेक्ट्रिक कार थी जो 60 मील फी घंटे की स्पीड तक जा सकती थी, लेकिन इसके बावजूद ये गाड़ी दुनिया की अब तक की तैयार की जाने वाली सबसे ज्यादा अजीब गाड़ियों में से एक है। नंबर 4, 1948 टास्को। ये एक और अजीबोगरीब गाड़ी है जिसे बहुत लोग अब भी पसंद करते हैं, जबकि बहुत लोगों के लिए ये एक अजीब गाड़ी है। टास्को को वर्ल्ड वार टू के बाद एक अमेरिकी स्पोर्ट्स कार के प्रोटोटाइप के तौर पर बनाया गया था। इसे गॉर्डन ने एयरप्लेन से इंस्पायर्ड कंट्रोल डिजाइन किए थे और ये टी टॉप रूफ वाली दुनिया की पहली कार थी। नंबर 3, जनरल मोटर्स फायरबर्ड। फायरबर्ड कारें जनरल मोटर्स की तैयार करदा प्रोटोटाइप गाड़ियां थीं, जो बुनियादी तौर पर 1953, 1956 और 1959 में मोटोरामा ऑटो शो में नुमाइश के लिए डिजाइन की गई थी। तीनों गाड़ियां वादे तौर पर जेट प्लेन से इंस्पायर्ड थीं और हर कार आखिरी कार से ज्यादा अजीब थी। नंबर 2, 1955 कैर्सलर गिया स्ट्रीमलाइन एक गिल्डा। कुछ लोगों की नज़र में ये गाड़ी अब तक की बेहतरीन गाड़ी होगी, जबकि कुछ लोग इसको अजीबोगरीब गाड़ियों में से एक मानते हैं। 1955 में कैर्सलर गिया स्ट्रीमलाइन एक्स गिल्डा का नाम 1946 की फेमस मूवी रीटा हेवर्थ से लिया गया था। गिलेट को एक ऑर्डिनरी 1.5 इंजन के साथ आम इस्तेमाल के लिए डिज़ाइन किया था। नंबर 1, फरारी 512 एस मॉड्यूल। हम जब फरारी का नाम सुनते हैं तो F8 स्पाइडर, F8 ट्राइब्यूटो और 812 सुपर फास्ट जैसी तेज तरीन गाड़ियों के नाम जहन में आते हैं। अभी स्क्रीन पर जो आप गाड़ी देख रहे हैं ये एक हकीकी फरारी है और एक कॉन्सेप्ट कार है जिसे पॉलो मार्टिन ने 1970 में गिनीवा मोटर शो के लिए डिजाइन किया था। हमें यह मानना पड़ेगा कि यह कार बहुत सस्ती साइंस फिक्शन मूवी की स्पेसशिप से मिलती जुलती दिखाई देती है। ये आप पे है कि आप इस गाड़ी को किस नज़र से देखते हैं, लेकिन ये अब तक की सबसे अजीब दिखने वाली फरारी कार है।